बहुत वॉकिंग लास्ट होने के कारण कंपनी के लोगों को पार्टी देते हैं, जहाँ नो स्वर्ण नहीं होती। वो घर जाने निकलती है, मैं उसे रोकते हैं। वो कहती है, मैं नहीं रुकूंगी, मैं किसी परेशानी से नहीं गुजरना चाहती, लेकिन तुम रह सकते हो, ऐसे कहकर चले जाती है। तभी मैं उसके पीछे जाने लगते है। अर्थात मैं से कहता है, क्या तुम मेरे पास केवल एक दिन के लिए नहीं रह सकते हो? लेकिन मैं पार्टी में ज्वाइन होने से मना करके नूस को घर पर छोड़ने के लिए चले जाते हैं। नूस मैं को साथ डिनर के लिए पूछते हुए कहती है, तुम यदि अभी जाते हो तो तुम समय पर नहीं पहुंचोगे, 10 बज चुके हैं, ऑफिस पहले ही बंद हो गया है। अगर तुम अपने दोस्तों के साथ रहना चाहते थे तो तुम्हें मुझे घर लाने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं कहता है, यह ऐसा नहीं है, चलो डिनर करते है। दूसरे तरफ थॉट मैं के इंतजार कर रहे होते हैं। मैं उसके लिए एक मैसेज होता है कि समय पर वापस नहीं आ सकता, अभी तक मैं नुस्के साथ ही हूँ। डिनर होने के बाद मैं उसे कॉल करते हैं, लेकिन वो रिसीव नहीं करते। मैं मैसेज सेंड करते हैं कि तुम कहाँ हो कहो, मैं वही पहुँच जाऊंगा। दूसरे दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ थॉट एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं देता है और कॉल का जवाब भी नहीं देता। मैं कहता है, वो अचानक फिर से मेरी जिंदगी से गायब हो जाता है, पिछली बार की तरह। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि यह बहुत अलग है, क्योंकि उस समय उनसे कांटेक्ट करने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब हमारे पास सब कुछ है, लेकिन लगता है वो बदल गया है, लगता है अब वो मुझसे और भी दूर हो गया है। एक दिन फेसबुक पर थॉट को दूसरे लड़के के साथ देखते हैं, जहाँ थॉट उसे क्लोज फ्रेंड कहता है। ये देखकर मैं जियालस फील करते हैं। वो कहता है, वो एक अन्य दोस्त के साथ अकेले क्लोज होता चला गया। मुझे उस समय उसका सबसे करीबी दोस्त ना होने का पहले से ही बुरा लग रहा था, और मानो यह वजह नहीं है, वो उस व्यक्ति के करीब है जिसे मैं ना पसंद करता हूँ। मैं थॉट से मैसेज करता है कि अगर तुम बिजी नहीं हो तो मेरे कॉल उठाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर वो कॉल करते है और इस बार वो उठा लेता है। थॉट पूछता है, क्या हुआ? मैं पूछता है, तुम कहाँ हो? थॉट कहता है, मैं घर पर हूँ, अभी फुटबॉल खेलकर वापस आया हूँ। मैं पूछता है, और तुम्हारे मन में क्या है? थॉट कहता है, ओह कुछ नहीं। और तुम अभी तक सोने नहीं जा रहे हो? मैं कहता है, हाँ अभी सोऊंगा। थॉट कहता है, ठीक है फिर तुम सो जाओ, मैं नहाऊंगा। मैं पूछता है, अरे थॉट हाल ही में तुम क्या कर रहे हो? थॉट कहता है, बहुत कुछ, अगर तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तो मैं फोन रख दूंगा। मैं कहता है, अरे रुको, क्या कल तुम फ्री हो? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। थॉट कहता है, फिर कल मैं तुम्हें बता दूंगा, चलिए फोन करते हैं। दूसरे दिन दोनों मिलते हैं। मैं पूछता है, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम मेरे बात का जवाब देने से इनकार कर देते हो। थॉट पूछता है, तुम्हारे दिमाग में क्या है? मैं पूछता है, तुम कहाँ गायब हो गए थे? थॉट कहता है, मैं कहाँ था, मैं वही रह रहा हूँ। मैं पूछता है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम तैर रहे हो, क्या तुम हवा हो जो इस ओर बह रही हो? थॉट कहता है, मैं काफी समय से हवा की तरह तैर रहा हूँ, स्त्री नहीं हूँ, अभी तक इसकी आदत नहीं है। मैं कहता है, और तुम भी उस लड़के के साथ घूम रहे हो? थॉट कहता है, हाँ तुम जानते हो कि मैं लंबे समय से बाहर घूमना चाहता था, वो फ्री है इसीलिए मैंने उसे मेरे साथ चलने के लिए कहा। मैं पूछता है, तुम मुझे बताए बिना बाहर घूमने क्यों जाते हो? थॉट कहता है, यदि मैं तुमसे कहूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं कहता है, भले ही मैं नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हें उस आदमी के साथ नहीं जाना चाहिए, है ना? तुम्हें पता है कि मैं उसे नापसंद करता हूँ, क्या तुम अब भी उसके करीब रहोगे? थॉट कहता है, क्यों, तुम उससे नफरत करते हो और फिर मुझे भी उससे नफरत करनी चाहिए? मैं कहता है, बिल्कुल, तुम मेरे बिलॉव्ड फ्रेंड हो, अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो तुम्हें भी मेरी तरह उससे नफरत करनी चाहिए, है ना? थॉट कहता है, कमीने यह तो बकवास है। मैं कहता है, यह बकवास नहीं है, मैं लंबे समय से उसके साथ ठीक नहीं हूँ, तुम यह जानते हो, तुम अब भी ऐसा क्यों कर रहे हो? थॉट कहता है, अरे मैं मुझे लगता है यह सही नहीं है, क्या यह बहुत बचकाना नहीं है? क्या तुम चाहते हो कि मैं भी वैसा ही करूं जैसे तुमने मेरे साथ किया? तुम्हारी वाइफ मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मुझसे बात नहीं करते। मैं कहता है, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम अब भी वैसे ही हो? थॉट कहता है, तुम ही हो जो एक जैसे नहीं हो। मैं पूछता है, मैं पहले जैसा कैसे नहीं हूँ? थॉट कहता है, क्या तुम अब भी मुझसे पूछ रहे हो? जब मैंने पार्टी दिया
तो तुम नहीं आए। मैं कहता है मैं वास्तव में वहाँ रहना चाहता था, लेकिन तुम इसका कारण जानते हो कि मैं वहाँ क्यों नहीं पहुँच सका। मैं नुस के साथ कोई समस्या नहीं खड़ा करना चाहता। थर्ड कहता है इतना ही, तो मुझे पता है कि तुम वही नहीं हो। मैं कहता है तुम आना नहीं चाहते, तुमने अपनी वाइफ के पति तो शिष्टा सा निभाया, परंतु तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी। मैं कहता है तुम इसे कैसे कह सकते हो, मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। अंत में यदि तुम उस चीज को लेकर मुझसे नाराज हो तो मुझे माफ करो। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत अकेला था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मैं वैसा बनूं। कभी कभी जब मैं कुछ करता था तो मैं तुम्हें इसके बारे में बताना चाहता था। मैं केवल फेसबुक या तुम्हारे लाइन आईडी ही खोल सका, तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। थर्ड कहता है तुम्हें यह पता होना चाहिए मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, तुम्हें भी मुझे ज्यादा याद आते है। फिर दोनों हक करते है और दोनों के बीच किस होते हैं। फिर हम देखते हैं मैं थॉट और नुस के बारे में एक साथ ही सोच रहे होते हैं, उन दोनों के साथ बिताए हुए समय के बारे में। फिर वो पब्लिक में एक सवाल पूछता है कि किसी लड़के के साथ किस करने से मुझे अच्छा महसूस होता है, इसका क्या मतलब है, क्या मैं गे हूँ या नहीं। लवा के रूप में मेरी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन नशे में मैं अपने मेल दोस्त को किस कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे उसके साथ अच्छा लगता है और मैं हमेशा उसके बारे में ही सोचता रहता हूँ। लेकिन जब मैं बीएल सीरीज देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मुझे उनके बारे में अच्छा महसूस नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि मैं गे हूँ या नहीं। मैं बहुत उलझन में हूँ, ऐसे लिखकर वो पोस्ट कर देता है। दूसरे दिन ऑफिस के सीन दिखाई जाती है, वो कमेंट को रीड कर रहे होते हैं, जहाँ कोई लोग उसे कहता है तुम गे हो। तो फिर वही नुस आती है, नुस के साथ बात करते समय मैं उसके फोरहेड पर किस करते हैं। फिर दोनों को कैफे में देखते हैं, जहाँ नुस पूछती है कल रात तुम कहाँ गायब हो गए। मैं कहता है मैं कहाँ गायब हो गया, तुम्हारा क्या मतलब है। नुस कहती है मैंने तुम्हें मुझे कल या लाइन करते नहीं देखा। मैं कहता है कल रात मुझे बहुत नींद आ रहे थे, शायद मैं सो गया होगा। नुस कहती है यह अच्छा है, भी मैं आपको ज्यादा सोना चाहिए, हाल ही में तुम्हें स्ट्रेस दिख रही हूँ, अगर कोई बात हो तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं कहता है कुछ भी नहीं। हम देखते हैं थॉट और मैं साथ मिलकर नुस को सरप्राइज देते हैं, जो नुस को बहुत अच्छा लगता है। मैं कहता है यह तुम्हें पसंद आया है ना, अगर मुझे थॉट से मदद नहीं मिलते तो शायद मैं इतना अच्छा नहीं कर पाता। थॉट कहता है अरे मुझे मत उलझाओ, जो कहना है उसे कह दो। मैं नुस से कहता है हम पहले से ही कुछ समय से डेटिंग कर रहे हैं, हो सकता है मैं कभी कभी अनरिलायबल रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे हमेशा माफ कर देना और मुझे हमेशा एक मौका दो। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें कुछ वापस दूँ, क्या तुम करोगे मुझसे शादी। तभी नुस हाँ कहती है और मैं उसे हक करते हैं। तभी एक प्लास्टिक दिखाई जाते हैं, जहाँ मैं कहता है मुझे लगता है कि मैं नुस से कहूँगी कि वो मुझसे शादी कर ले। थॉट कहता है ठीक है यह अच्छा है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। मैं कहता है मुझे लगता है कि मैं उसके लिए कोई सरप्राइज बनाऊंगा, क्या तुम इसकी योजना बनाने में मेरी मदद कर सकते हो। थॉट कहता है इस सरप्राइज के बारे में तुम सही व्यक्ति से पूछ रहे हो, मैं तुम्हें सोचने में मदद करूंगा, यह आसान है। फिर हम देखते हैं मैं सभी दोस्तों को कैफे में इन्विटेशन कार्ड देने के लिए बुलाते हैं। यहाँ थॉट एक लड़की के साथ आते हैं, जो सबके सामने अपने गर्लफ्रेंड कहता है, जिससे मैं जेलस फील करते हैं। मैं थॉट को कॉल करके कहता है इस वीकेंड क्या तुम फ्री हो। थॉट कहता है एक सेकंड के लिए रुको, ऐसे कहकर गर्लफ्रेंड से पूछते हैं कि अरे इस सैटरडे क्या हमें कुछ करने की जरूरत है। वो कहती है तुम्हें एयर कंडीशन को फिक्स करने के लिए टेक्नीशियन का इंतजार करना होगा है ना। थॉट कहता है ओ याद नहीं रहा। फिर थॉट मैं से कहता है श्योर नहीं हूँ, मुझे एयर कंडीशन ठीक करने के लिए टेक्नीशियन का इंतजार करना होगा, मुझे नहीं पता कि यह कब पूरा होगा। मैं कहता है यूनिवर्सिटी में हमारे दोस्त मेरे एक स्टेज पार्टी का अरेंज करना चाहते है, क्या तुम आओगे। थॉट कहता है ठीक है, अगर मैं समय पर फिनिश कर दूंगा तो मैं जरूर जाऊंगा, भले ही मैं
तुम्हारे साथ नहीं हूँ, फिर भी तुम पार्टी कर सकते हो। मुझे कहीं जाना होगा। पार्टी के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ थॉट नहीं होते हैं। मैंग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अचानक थॉट वही आते हैं। मैंग कहता है हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, हमें लगा कि तुम नहीं आओगे। थॉट कहता है सॉरी मैं थोड़ा बिजी था। मैंग कहता है अच्छा हुआ कि तुम आए, बाकी लोग पहले ही बहुत पी चुके हैं। थॉट कहता है मुझे डराने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं शाम के लिए पे नहीं सुटा पाऊंगा। क्या तुमने उसे अभी तक प्राप्त किया? मैंग पूछता है तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? थॉट कहता है पिछली बार तुमने कहा था कि तुम्हें अभी तक उसका क्रेडिट कार्ड नहीं मिला है, मैं बस पूछ रहा हूँ क्या तुम्हें वो अभी तक मिली। मैंग कहता है पहले से ही कुछ समय के लिए। थॉट कहता है तुम कमीने हो, पिछली बार तुमने बहुत शिकायत की थी। फिर हम देखते हैं वे सभी एक साथ ड्रिंक करते हैं। मैंग नशे में होते हैं। थॉट पूछता है क्या तुम ठीक हो? मैंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, मैं अभी भी और भी बहुत कुछ पी सकता हूँ। थॉट पूछता है अरे क्या तुम सचमुच ठीक हो? मैंग कहता है हाँ हूँ। फिर हम देखते है थॉट उसे कमरे में ले जाते हैं और थॉट मैग के नेक में किस करते हैं और वो और आगे नहीं बढ़ते और वो ही थॉट छो जाते हैं। मैंग उठकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ मैंग कहता है मुझे खुद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मैं बहुत उलझन में हूँ। वो पूछती है और क्या तुम अब भी अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो? मैंग कहता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता हूँ लेकिन मैं अपने दोस्त से भी प्यार करता हूँ। सो गाइस आज का पार्ट यहीं पर एंड कर देती हूँ और इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लेकर आऊंगी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट करके अपना राय कहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।